वो कहते हैं ना कि जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, उसी तरीके से इलाहाबाद आपके लिए दूसरा मौका बन के आया है। जो बच्चे भी सीयूटी पीजी में फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, वो बच्चे अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बड़ा अच्छा है कि चलो कम से कम बैकअप में एक ऐसा यूनिवर्सिटी हमारे पास रहता है कि किसी कारण से अगर हम लोग सीयूटी पीजी में नहीं बैठ पाए, उसमें एग्जाम नहीं दे पाए, फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, या एग्जाम दिए हमारा मार्क्स बहुत बुरा आ गया, एडमिशन के हमारे अब चांसेस नहीं बन रहे जबकि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय ये सब ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ भी बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर बताओ कोई ऐसा विश्वविद्यालय जो बहुत बढ़िया हो, इन्वायरमेंट वाइज अच्छा हो, स्टडी अच्छा होता हो और उसका अच्छा नाम हो। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता ही है भाई, सभी यूनिवर्सिटी का बाप है ये। इवन BHU के भी जो फाउंडर है हमारे मालवीय जी, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। अपने आप में विश्वविद्यालय बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय है। आप सभी लोग अब अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो इलाहाबाद में पढ़ने का। जहां तक बात रहेगी फॉर्म इसका कब आएगा, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि फॉर्म आएगा तो कहाँ आएगा और कौन सी इसकी वेबसाइट है और लगभग कितने दिनों में फॉर्म आ जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये है इलाहाबाद का वो वेबसाइट जहां से फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन हम लोग इसको बैक करते हैं पहले, ठीक है। जैसे ही आप इलाहाबाद या AU प्रवेश ऐसा कुछ AU एडमिशन डालोगे तो ये दो वेबसाइट आपको ऊपर नजर आएगा और ये दोनों ही इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देख लो। एक में लिखा हुआ है AU प्रवेश और इसका सेशन बदलता रहता है, जैसे यहाँ पे 2023 लिख दिया, अभी 23 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लास्ट एडमिशन जो हुआ है वो अभी PhD का चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे AU प्रवेश 2023, क्योंकि 2023 बैच का PhD एडमिशन लोग लिए हैं। और इसी के नीचे लिखा हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक और वेबसाइट है, लेकिन जो हमें फॉर्म चेक करना है वो इस वेबसाइट से चेक करना है, ऊपर वाले से। ये अभी अपडेट हो जाएगा, अभी ये अपडेट हो जाएगा। लास्ट देखो इन्होंने एग्जाम कराया है यहाँ पे रेट का, C-रेट का, जो कि यहाँ पे लोग अपने यहाँ PhD के लिए कराते हैं। बस यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे PG के लिए हो जाएगा 2024, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लोग अब PG के लिए ही पूरा काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि फॉर्म आएगा कब तक, भाई बेहद मतलब एकदम करीब है। आप समझ लो कि बेहद खुशी होगी ये बात जान के कि ये 5 से 6 दिनों में फॉर्म आने वाला है। ऑलमोस्ट ये लोग अपने जो PhD एडमिशन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, अब इन लोगों के पास बस PG एडमिशन ही है, तो फाइनली ये लोग PG एडमिशन के बुलेटिन और ब्रोशर पे काम कर रहे हैं। आपको आने वाले 5 दिनों में, मतलब मान के चलो कि 25 से 26 अप्रैल तक ये पता चल जाएगा कि इलाहाबाद का फॉर्म आ गया है और आप जाके फिलअप कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे हर फॉर्म के लिए होता है, सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, स्कैन करके रखना आप लोग। अब बाकी जो आपके पास रिजर्वेशन का डिग्रीज है वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में फॉर्म में क्लिक जरूर करना, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह ये सब बेसिक चीजें लगेंगी जो कि आपके पास अवेलेबल ही रहता है। तो जब फॉर्म आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊंगा कि फॉर्म में क्या क्या लग रहा है, कैसे फिलअप करना है। तो बस इस वीडियो में यही अपडेट करना था कि भाई एक ऑप्शन के तौर पे, या तो फिर जिनके पास अब कोई मौका ही नहीं है वो इसको अपना एक प्रियोरिटी समझे इलाहाबाद के लिए और इनके कोर्सेज। अच्छा हाँ, कोर्सेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट इनके यहाँ हर कोर्स रन करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो इनके यहाँ हर कोर्स रन करता है, आप चाहो तो इनके यहाँ कोर्सेज पूरा देख लो। ये देखो इनके यहाँ पूरे कोर्सेज हैं, कितने सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है, फिलोसफी का डिपार्टमेंट है, देख लो पूरा इनके पास डिपार्टमेंट जितने भी हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखे पड़े हैं। केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, देख रहे हो। तो बॉटनी है, स्टैट्स है, कितने सारे डिपार्टमेंट है। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स कोर्सेज इनके यहाँ रन करते हैं और आप लोग एकदम आराम से जाएं और 5-6 दिनों का इंतजार करें, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा, फिर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव।